जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम आज़ादी की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस मौके पर मैं अपने सारे देशवासियों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। कोशिश करनी चाहिए हमारा देश, जो कि केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है, स्वच्छ भारत रहे, कुशल भारत रहे, हमारे लोग बेरोजगार न रहें। आने वाले समय में हमारा देश दुनिया के सामने, दुनिया के नक्शे पर इस तरह स्थापित हो जाए कि चारों ओर भारत का डंका बजे। मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि आप अपने डिफेंस को कमज़ोर ना समझें और अभी वक्त है जो है बदलने का है। आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक चेंज जो मैं दिल से चाहती हूँ कि इंडिया में आए, वो है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो कि बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक तरीके से बदलती जा रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे हमारे अच्छे के लिए और साथ साथ जो लोअर क्लास पीपल हैं उनके अच्छे के लिए बनाया जाए। मैं इस 15 अगस्त के मौके पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो अपने घरों में साफ़ सफाई का माहौल बना कर रखते हैं, उसी तरीके से पूरे देश में वो साफ़ सफाई बनाए रखें। वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 70 साल, स्वतंत्रता के 70 साल, बहुत सारे क्षेत्रों में हम बहुत आगे आए, बहुत सारे क्षेत्रों में हमने बहुत नाम कमाया। एक ओर जहां हम मार्स तक जा पहुंचे हैं, वहीं दूसरी ओर एक डिपार्टमेंट है जिसमें अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। मैं उम्मीद करती हूं कि इस 71वीं साल की शुरुआत के साथ हम सब अपने देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए और अपने देश की महिलाओं की शिक्षा के लिए और पुरजोर मेहनत करेंगे। 70 साल हो चुके हैं स्वतंत्रता दिवस का और इस 70 साल में मैं लोगों से यही कहूँगा कि विकास करें और देश के विकास में अपना योगदान दें। स्वतंत्रता दिवस की बधाई। क्या लगता है, क्या सही मायने में हम स्वतंत्र हैं? आज़ादी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। हम आज़ाद हैं लेकिन हम जिम्मेदार नहीं। कब तक हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दोषी मानते रहेंगे अपनी हर समस्या के लिए? कुछ बदलना है तो खुद बदलना होगा। इस स्वतंत्रता दिवस स्वयं बदलिए ताकि देश बदल सके। इस इंडिपेंडेंस डे आओ हम एक कसम खाते हैं कि हम करप्शन, हम पॉवर्टी, हम सारी जो इविल्स चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में, हम उनको जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकेंगे, हम उनसे लड़ेंगे। दिस ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे आई वॉन्ट टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, आर वी लिविंग अ फसाद और डू वी सी द रियलिटी? एज अ जर्नलिस्ट वी हैव टू टेल द रियलिटी, नॉट द ओपिनियन। मेरा मैसेज स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को यह है कि महिलाओं का सम्मान तो देश का सम्मान, यदि मेरे देश की महिला सुरक्षित है तो मेरा देश सुरक्षित है। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहता हूँ कि स्वच्छता अभियान में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने फर्ज को समझें। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ता भी पूँछ मार के बैठता है, तो साफ सफाई का ध्यान रखें। और आज़ाद देश है, आज़ाद जिन्होंने कराना था कुर्बानियाँ देकर करा दिया है, इसे संभालें, अपना देश है, अपने देश को बचाएं। सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा मैसेज सिर्फ एक ही है कि हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाएं, बहुत सारे पेड़ लगाएं और जल बचाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।